चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो की। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि व्हाट्सएप ने अब इंडिया में भी अपना न्यू अपडेट रिलीज कर दिया है, जिसमें हम लोगों को अब इंडिया में भी पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है। दोस्तों यहाँ दोस्तों व्हाट्सएप पे भी हम फोन पे, गूगल पे और पेटीएम की तरह ही किसी को भी बड़ी आसानी से पेमेंट कर पाएंगे। दोस्तों उसके लिए हमें यूपीआई का सेटअप करना पड़ेगा हमारे व्हाट्सएप के ऊपर, बहुत ही आसान है। दोस्तों आगे वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी सेटअप करना उसको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप यूपीआई पेमेंट जो है इनेबल कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप पर। और दोस्तों इसका सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि अक्सर दोस्तों किसी के पास फोन पे है, किसी के पास गूगल पे है, किसी के पास पेटीएम है, तो वो थोड़ा सा ऐसा रहता है कि हमें पेमेंट उसके पास पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हमें फोन पे से गूगल पे जाएगा या नहीं जाएगा, वो थोड़ा सा डर बना रहता है। लेकिन दोस्तों व्हाट्सएप आज हमारे पास सभी के पास है, तो हम व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप बड़ी आसानी से पेमेंट कर पाएंगे दोस्तों, सीधा हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। इसके लिए करना क्या है दोस्तों, सिंपली स्टेप्स में मैं आपको आगे वीडियो में बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो बिना लाइक किए बिल्कुल नहीं जाइएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अभी आ गए हम हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर और मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि किस तरह से आपको व्हाट्सएप का न्यू अपडेट करना है, जिससे कि आप इनेबल कर पाएंगे पेमेंट का ऑप्शन। तो सबसे पहले आपको गूगल प्ले ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको मेन्यू में जाना है। मेन्यू में जाने के बाद में आपको माई एप्स एंड गेम्स में आपको टैप करना है। यहाँ पर आपकी इंस्टॉल्ड एप्स दिखाएगा, इनमें से आपको सर्च करना रहेगा व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप को सर्च करके उस पर आप टैप करिए और इसकी एप्लीकेशन को लेटेस्ट अपडेट कर लीजिए। कुछ ही देर में इसका अपडेट हो जाएगा। दोस्तों पेमेंट का ऑप्शन अगर आपको चाहिए अपने व्हाट्सएप के अंदर, तो सबसे पहले आपको ये स्टेप करनी पड़ेगी, आपको गूगल प्ले पर जाकर के अपने व्हाट्सएप को अपडेट करना होगा। जैसे ही व्हाट्सएप अपडेट होगा आपको अपने व्हाट्सएप के अंदर पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे कि मैं अभी अपने मोबाइल में आपको दिखाने जा रहा हूँ। कुछ ही समय में ये इंस्टॉल हो जाएगा, इसके बाद आगे स्टेप मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए दोस्तों व्हाट्सएप अभी अपडेट हो चुका है, हमें इसे ओपन कर लेना है। सिंपली जैसे आप इसे ओपन करेंगे और किसी भी चैट के ऊपर जाकर आप टैप करेंगे, तो टैप करने के बाद में आपको नीचे अटैचमेंट वाले बटन पर टैप करना है, तो इसमें आपको यहाँ पर पेमेंट का ये ऑप्शन आपको नज़र आने लगेगा, तो सिंपली आपको इसे टैप कर देना है। जैसे आप इसे टैप करेंगे तो अभी हमने यहाँ पर कोई भी यूपीआई सेटअप नहीं किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर हमें ये यूपीआई सेटअप के लिए ये वाली स्क्रीन दिखाई देगा, तो इसमें नीचे हमें एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। जैसे हम एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने बैंक की लिस्ट ओपन कर देगा कि कौन कौन से बैंक यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो जिस बैंक में आपका अकाउंट हो आपको उस बैंक को सेलेक्ट कर लेना है। मेरे पास ICICI का अकाउंट है तो मैं ICICI को सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में आपका फ़ोन नंबर, जिससे कि आपका व्हाट्सअप अभी चल रहा है वही नंबर आपका बैंक में अटैच होना चाहिए दोस्तों, तभी ये काम करेगा। तो आपको वो सिम सेलेक्ट कर लेनी है जिसमें वो नंबर है। इसके बाद में आपको सिंपली वेरीफाई कर लेना है अपने फ़ोन नंबर को, ये कुछ परमिशंस मांगेगा, अलाउ कर देना है उनको फ़ोन की। उसके बाद में कुछ थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों, थोड़े से टाइम लेने के बाद में ये जो है अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा टाइम लेगा आपके फ़ोन नंबर को, जो कि आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है, उसके साथ उसकी बैंक की डिटेल्स यहाँ पर ये अटैच करेगा अपने व्हाट्सएप के साथ में, और थोड़े समय में इसका सेटअप जो है कम्प्लीट हो जाएगा। सेटअप कम्प्लीट होने के बाद में दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर डन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से यहाँ पर एक नोटिफाई का और या फिर अदर यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन नज़र आएगा। अब अगर आप जिसको भी भेजना चाह रहे हैं उसने यूपीआई का सेटअप नहीं किया हुआ है, तो आपको सिंपली नोटिफाई पर यहाँ पर टैप कर देना है। जैसे आप नोटिफाई पर टैप करेंगे तो आप जिस भी व्यक्ति को आप भेज रहे हैं अपना पैसा, उसके पास में इस तरह से एक नोटिफिकेशन चला जाएगा, और जैसे वो इस पर टैप करेगा तो उसको भी पेमेंट का ऑप्शन नज़र आने लगेगा, और इसके साथ ही आपके व्हाट्सएप पर यूपीआई का जो सेटअप है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आप जिस किसी को भी आप पेमेंट भेजना चाहते हैं उसकी चैट पर टैप करिए और सिंपली नीचे अटैचमेंट के बटन पर आइए। अटैचमेंट पर टैप करके पेमेंट वाले बटन पर जाइए और सिंपली यहाँ पर आपको सिंपली नोटिफाई पर टैप कर देना है, जिससे कि आप जिसको पैसा भेजने चाह रहे हैं उसको भी यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन नज़र आने लग जाएगा। तो दोस्तों अगर उसने यूपीआई का सेटअप किया हुआ है तो आपको पैसे भेजने का ऑप्शन नज़र आएगा, अदरवाइज़ इस तरह से नोटिफिकेशन उसके पास चला जाएगा। अब अगर आप किसी अदर यूपीआई पर पैसा भेजना चाहते हैं तो नीचे यहाँ पर सेंड टू अदर यूपीआई का ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर आपको सिंपली टैप कर देना है। इस पर आप जैसे ही टैप करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर यूपीआई डालने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप उसका यूपीआई एड्रेस डालिए, और यूपीआई एड्रेस डालने के बाद में आपको जो है सिंपली यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है उस अकाउंट को जिस पर आप पैसा भेजना चाह रहे हैं। यूपीआई एड्रेस वेरीफाई कर लीजिए। जैसे ही यूपीआई एड्रेस वेरीफाई होगा, वेरीफाई होने के बाद में आपके पास में जस्ट सामने ऑप्शन नज़र आएगा आपको पैसा भेजने के लिए।
तो सिंपली आपको अपना अमाउंट एंटर करना है और उसके बाद में एंटर कर देना है आपको। जैसे आप अमाउंट डाल के एंटर करेंगे आपसे यूपीआई पिन मांगेगा और वो यूपीआई पिन डालने के बाद में आपका पैसा जो है सामने वाले के अकाउंट में सीधा डायरेक्टली चला जाएगा, जैसा कि गूगल पे फ़ोनपे इन सभी पर होता है। तो सिंपल स्टेप्स हैं दोस्तों, बहुत ही आसान है, मैंने आपको बता दिए हैं सारी स्टेप्स किस तरह से आपको पे करना है। साथ ही आप यहाँ पर ऊपर देख रहे होंगे पे के साथ साथ रिक्वेस्ट का भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा व्हाट्सएप के अंदर, जैसे कि आप किसी से पैसा अगर आपको लेना है तो उसको आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं अमाउंट डाल करके कि इतना पैसा मुझे चाहिए। तो दोस्तों यही था आज के इस वीडियो में, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।